गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 31 मार्च के करंट अफेयर के लिए हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएसटी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब पे प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसके बाद दोस्तों आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा 30 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को जितने भी हमारे चिकित्सक हैं उनके कार्यों के सराहना के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आंसर होगा राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फ्रेंड, कल ही मैंने राजस्थान के बारे में बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना भी राजस्थान के बारे में पता है, उसकी कैपिटल, उसके सीएम का नाम और उसके गवर्नर का नाम, इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। अब यहाँ नाम आईसीआईसीआई बैंक का आया है, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इतना आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए प्रयागयम ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा झारखंड ने कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए प्रयागयम योजना लॉन्च की है। झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। इतना आप लोग झारखंड के बारे में ज़रूर जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर होगा WWF द्वारा अर्थ आवर डे आयोजित किया जाता है। बात WWF की है तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आना चाहिए कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि प्रकृति की देखभाल के लिए विश्व स्तर पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने 2020-21 में GDP कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा SBI ने 2020-21 में GDP दर का अनुमान 2.6% लगाया है, क्योंकि कोविड-19 जो यह महामारी जिसको कि WHO ने एपिडेमिक घोषित किया है, इसी के कारण सारे कामकाज, सारे मिल, फैक्ट्रीज, सारे इंडस्ट्रीज बंद हैं, सारे कंपनीज बंद हो गई हैं। इसके कारण हमारी GDP 2.6% रहने का अनुमान SBI ने लगाया है। अब बात SBI की है तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को निर्बाध LPG आपूर्ति का आश्वासन दिया है? आंसर होगा सऊदी अरब ने भारत को निर्बाध LPG आपूर्ति का आश्वासन दिया है। कोविड-19 के चलते सऊदी अरब
के सुल्तान ने भारत को एलपीजी की पूरी तरह आपूर्ति का आश्वासन दिया है। अब एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और अब बात यहाँ सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है रियाल, और सऊदी अरब के वर्तमान सुल्तान हैं सुल्तान ऑफ सऊदी अरबिया। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसी प्रकार किसी भी कंट्री का नाम आए, उसका कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहाँ के हेड होंगे उनका नाम, इतना आप लोगों को ज़रूर लर्न करना चाहिए। अगर जिस कंट्री का नाम, करेंसी, कैपिटल आप लोगों को पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन करिए। इतना आप लोगों को हैबिट डेवलप करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर होगा एनबीटी ने कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ बात एनबीटी की है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट, और एनबीटी की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इतना आप लोगों को एनबीटी के बारे में याद रखना होगा। और इसके आप लोगों को मैं इसके प्रमुख का नाम बताता हूँ, तो इसके प्रमुख का नाम है गोविंद शर्मा। जब आप लोग रिवाइज करने की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो इसी प्रकार आप लोगों को भी सभी चीज़ें याद रहनी चाहिए। जैसे मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल याद हैं, बस एक बार रिकॉल करता हूँ तो सब चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी घरों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए जन सेवक योजना लॉन्च किया है? आंसर होगा कर्नाटक ने सभी सेवाओं को सभी के घर तक पहुंचाने के लिए जन सेवक योजना लॉन्च की है। जो अभी ये समय चल रहा है, इस समय हमारे लोगों के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उसी को देखते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह जन सेवक योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर होगा गुजरात गवर्नमेंट ने गृह शिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, उसी को देखते हुए कि बच्चों का नुकसान ना हो, गुजरात गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। फ्रेंड, अगर आप लोग डेली मॉर्निंग में यह वीडियो देखते रहेंगे तो आप लोगों का करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, यह मेरा वादा है। और आपका सभी भी जितना भी इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन होगा वो हम कवर कराते चलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप एक लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।